हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। स्वागत करते हैं इस नई वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं टाटा एल्ट्रॉस के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कब इसको लॉन्च किया जाएगा, क्या कुछ प्राइसिंग रहने वाली है टाटा एल्ट्रॉस के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। अगर उससे पहले अगर आप चैनल में नए आए हो तो अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। चलिए तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्या कुछ टाटा एल्ट्रॉस में इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आपको दो इंजन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक तो आपको पेट्रोल और दूसरा डीजल। पेट्रोल में आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। पहला, सबसे पहला जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिलेगा। थ्री सिलेंडर के देखने को मिलते हैं और ये देखे तो 86 bhp की पावर जनरेट करता है और टॉर्क की आपको 130 न्यूटन मीटर का देखने को मिलेगा। वहीं में बात करें तो आपको यहाँ पर टर्बो चार्ज इंट्रोड्यूस किया गया था लेटर ऑन, जो आपको 1.2 लीटर का देखने को मिलेगा टर्बो चार्ज वाला। पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है थ्री सिलेंडर के साथ और देखे तो आपको ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेगा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से। आप 110 bhp की पावर जनरेट करेगा और टॉर्क की आपको 140 न्यूटन मीटर का देखने को मिलता है। उसी के साथ हम बात कर लेते हैं, अभी करंटली देखते हैं पेट्रोल इंजन में आपको 5-speed ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा मैनुअल वाला, और साथ में इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्पेशली टर्बो चार्ज वाले में कि आपको 7-speed DCT मतलब कि ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन ऑफर किया जाए। वहीं में बात करें तो इसको टेस्टिंग आउट करते हुए भी देखा गया तो सबसे ज्यादा चांसेस देखे तो पेट्रोल इंजन के आपको टर्बो चार्ज में देखने को मिलते हैं कि इसमें लॉन्च किया जाएगा DCT वेरिएंट को। उसी के साथ में बात करें जो तो आपको डीजल का देखने को मिलता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, फोर सिलेंडर के देखने को मिलेगा और आपको 90 bhp की पावर जनरेट करके देगा और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। इसमें देखें तो आपको ट्रांसमिशन 5-speed वाला ही देखने को मिलेगा और इसमें देखें तो आपको ऑटोमेटिक के चांसेस बहुत कम है कि आपको देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली देखे तो भाई इतना ही सुनने में आ रहा है कि आपको जो टर्बो चार्ज वाला देखने को मिलता है 1.2 लीटर वाला, उसमें देखने को मिलेगा मैक्स टू मैक्स है तो 1.2 लीटर के आपको नेचुरल एस्पिरेट में देखने को मिल जाएगा DCT। पर काफी चांसेस यही है कि आपको टर्बो चार्ज जो पेट्रोल इंजन है उसी में ही आपको देखे तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर किया जाएगा DCT ऑप्शन वाला। देखे तो अभी अपकमिंग प्लान्स क्या है जो टाटा एल्ट्रॉस में देखने को मिलेंगे, CNG देखे तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करेगी, टियागो टिगोर में आने वाले हैं, इसमें भी देखें तो कहीं ना कहीं आपको CNG ऑप्शन देखने को मिल सकता है। और साथ में ही देखें तो टाटा एल्ट्रॉस में तो आपको एक फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाई जाएगी, जिसमें आपने देखा भी होगा जेनिवा मोटर शो में उसको शोकेस भी किया था टाटा मोटर्स में, जिसमें उसमें आपने देखा होगा कि एक्सटीरियर में थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक से चेंजेस किए थे, इंटीरियर में देखो स्पेशल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया था, आपको देखे तो फीचर में थोड़ा बहुत और चेंजेस किए करे गए थे। वही चांसेस है कि आपको फ्यूचर में देखो CNG और आपको देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिलेगी एल्ट्रॉस में। फिलहाल बात की जाए तो 7-speed DCT जो आपको देखने को मिलेगा ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन, उसकी प्राइसिंग देखे तो एग्जिस्टिंग से 70,000 से लेके 1,00,000 तक की प्राइसिंग के अराउंड उसका एक्सीड किया जाएगा, उतना महंगा मिलेगा वो एग्जिस्टिंग वाले से। कहीं ना कहीं चांसेस यही है कि आपको पेट्रोल में देखने को मिलेगा, स्पेशली टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन में ही देखने को मिलेगा। नेचुरल एस्पिरेटेड में कम चांसेस है, पर देखे तो आपको टर्बो चार्ज में ही काफी हद तक ही देखने को मिलने वाला है। और लॉन्च डेट की बात की जाए तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 को लॉन्च किया जाएगा, मतलब कि 3 से 4 महीने के विदिन इसको लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया में। कहीं ना कहीं देखे तो फाइनल टेस्टिंग आउट करते हुए इसको देखा गया तो हम उम्मीद करेंगे कि इसको आपको देखे तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 को लॉन्च कर दिया जाए। कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।